फ्रेंड्स, मैं अशोक प्रजापत मैकम किचन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बनाएंगे नींबू पानी। नींबू पानी बनाने से पहले उसके कुछ इतिहास के बारे में, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नींबू पानी वैसे तो जब हम पुराने जमाने, हमारे पुरुष जब बनाते थे तो नींबू और पानी का मिश्रण ही नींबू पानी कहलाता था, लेकिन आज इसका ट्रेंड बदल गया। आज इसके अंदर मसाले, पुदीना वो डाल के इसको मसालेदार और ठंडा और मीठा बनाने लगे हैं। नींबू पानी दक्षिण एशिया के पंजाब में पेय पदार्थ के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे पहले भारत में इसको नींबू और पानी को मिश्रण करके जब एक पेय पदार्थ बनाया गया तो उसे नींबू पानी कहते हैं। और इसके लिखित में जो परिणाम मिले हैं या जो भी हमें मिले हैं अज्ञात हुए हैं, वो लिखित में मिस्र में 1100 ईस्वी में हुए हैं, और माना जाता है कि 700 ईस्वी में ही इसकी पैदावार होनी शुरू हुई थी। तो चलिए आज हम पारंपरिक रूप से बनाएंगे नींबू पानी बनाएंगे, और एक अच्छा स्वादिष्ट और शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी और शरीर को तरावट पहुँचाने वाला बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए 4 रस भरे नींबू लेंगे, जलजीरा पाउडर, काला नमक, पुदीने की पत्तियाँ, पीसी हुई चीनी और नमक। सबसे पहले हम नींबू को 2 भागों में काट लेंगे। नींबू को 2 भागों में काट लेने के बाद एक स्लाइस को आप पीछे रख दें उसकी गार्निश के लिए। बाकी के जो नींबू हमने 2 भागों में काटे हैं उनका जूस निकाल लें एक गिलास में अलग। नींबू का रस निकाल लेने के बाद हम इसके अंदर ये 1/2 चम्मच जलजीरा पाउडर डालेंगे। फिर काला नमक, फिर थोड़ा सा, मेरे पास अभी गीला पुदीना नहीं है इसलिए मैं सूखा पुदीना डाल रहा हूँ, आप गीले पुदीने का इस्तेमाल करें। 1-2 पत्ती पुदीने की डाल दें। फिर नमक, फिर शक्कर। चार चम्मच शक्कर डाल दें आप। नींबू शिकंजी बनाने के लिए आप रस भरे नींबू का ही उपयोग करें। अच्छे पीले बड़े देख के लेके आएं जिसमें रस ज़्यादा हो। नींबू शिकंजी का बेस तैयार हो चुका है। अब एक गिलास लेंगे, उसके अंदर नींबू की शिकंजी डाल देंगे, शिकंजी का पेस्ट डाल देंगे। आप छान कर ये पुदीने के पत्ते निकाल दें। फिर इसके अंदर डाल दें पानी। अब इसकी गार्निश करेंगे हम। तो गार्निश के लिए आप
ने जो पीछे बचा के एक नींबू रखा था उसकी एक पतली स्लाइस काट लें। स्लाइस काटने के बाद उसको सजा दें। तो चलिए, तो अब हमारी शिकंजी तैयार है। इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर आइस क्यूब डाल देते हैं। और ये भी हमारी शिकंजी तैयार हो चुकी है। शिकंजी का वो इसको आप नींबू पानी भी कह सकते हैं। और अब इस नींबू पानी को टेस्ट करते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा है, टेस्ट करके भी देख लेते हैं। वाह, नाइस। पुदीने का स्वाद भी है, जलजीरा भी है, नींबू पानी भी है, काफी अच्छा बना है। आप भी बनाए, आप बताएं आपका कैसा बना। मेरा तो काफी अच्छा बना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद।